दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। मैं इसमें बताऊंगा आपको कि डिज़ायर में, ये डिज़ायर गाड़ी है, डिज़ायर में डिवाइस रिले विद रिले कैसे इंस्टॉल करता है बिना कोई वायर कट किए। सबसे पहले हम इसका निचला हिस्सा खोलेंगे। आसानी से खुल जाता है। उसके बाद हम ये वाला हिस्सा खोलेंगे। इसके लिए एक पेच होता है, यहाँ इसमें पेच है नहीं। है नहीं पेच। तो ये कनेक्टर है, हमें इससे कनेक्शन लेना। तो इसमें हमें पहले पावर पता करना और चाबी बंद करके हम पहले चेक करेंगे किस वायर में आ रही है लाइट। एक ये वाइट और ब्लू में लगाया, यहीं लगा के सही देख लो। ये करंट आ गया 12 वोल्ट, चाबी ऑफ है, 12 वोल्ट आ रहा है। तो वाइट और ब्लू जो है डिजायर का, ये पहला वाला वो हमारा पावर हो गया। और इग्निशन चेक करते हैं, इग्निशन हो गया। याद रखते हैं चाबी के 3 लॉक हैं। फर्स्ट पे इस पर पावर नहीं आ रहा, सेकंड पे आ रहा, मतलब ये हमारा इग्निशन है। ऐसे फर्स्ट पे भी चेक करोगे तो आएंगे कई सारे वायर में। ये ब्लू वाला देख लो आप, येलो के जो पीछे है उसमें आ रहा फर्स्ट की पे पावर आ रहा है, सेकंड पे भी आ रहा है। तो फर्स्ट पे जो आ रहा है वो एसी का होता है, हमें उस पर नहीं लगाना, हमें इग्निशन पे लगाना है। तो ये येलो वाले में लगेगा क्योंकि ये सेकंड वाले में आ रहे थे। तो हम पहले इसका लॉक, यहाँ से एक बटन होता है वो दबा के इसको खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आने के बाद ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर खोलने का तरीका है कि पहले ऊपर एक लॉक होता है, यहाँ एक कट होगा, यहाँ लाइनर फंसाएंगे, ये उठा देंगे। ये उठाने के बाद हमारा यह है इग्निशन येलो वाला। अब देख लोगे ये जो पिन है इसके ऊपर एक लॉक होता है छोटा सा, लाइनर डालेंगे इसके अंदर तो लॉक को हम उठा देंगे। लॉक उठाने के बाद इसको खींच लेंगे, ये बाहर आ जाए। ये बाहर आ गया। अब इसमें हम अपना थिम्बल लगाएंगे रिले में। ये रिले है, रिले जिसको हमें बाईपास करना है, ये दो जो है बाईपास करना है। इसमें हम थिम्बल लगा लेंगे सेम ऐसा ही थिम्बल। ये थिम्बल लगा दिया, लगाने के बाद हम इसको वापस से अपना रिले का वायर इसमें लगा दिए। लगाने के बाद ये हमारा इग्निशन पावर वाले को भी ऐसे ही निकाल लेंगे। जब तक ये लॉक खुला रहेगा जब ही निकलेगा ये पिन, अगर ये लॉक बंद रहेगा तो वो पिन भी नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। पावर वाले को निकालने के लिए भी पिन के ऊपर एक लॉक है, वो लॉक उठाया हमने और ये वायर खींच लेंगे, आ जाएगा बाहर। इसमें हम अपना डिवाइस है, डिवाइस का पावर जो है
और फिर वापस से इसको भी लगा देंगे इसी में। सही देख लो लगा दिया। लगाने के बाद हम ये वाला लॉक फिर वापस से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये वापस लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा ये ग्राउंड है, की होल्डर है, की होल्डर के नीचे ये किस स्क्रू है। जैसे कि आप देखो ये की होल्डर है, इसके नीचे ये रहा एक, इस पे लगा देते हैं। उसके लिए हम ग्राउंड में पहले थिम्बल लगा लेते हैं। जैसे ये देखो ये थिम्बल लगाया, थिम्बल लगाने के बाद इसको यहाँ ऊपर से निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकाल के हम इसको यहाँ पे जो स्क्रू है बैक साइड के उसमें लगा देते हैं। पे देख रहा हूँ ये डिवाइस में लाइट आ गई है, लेकिन हमारा भी कनेक्शन बाकी है। ये रिले का एक पार्ट तो हमने यहाँ लगा दिया है कनेक्टर में, दूसरा पार्ट जो इसका जो थिम्बल निकाला है हमने एक वायरिंग, हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ने पे इग्निशन का कनेक्शन हो जाएगा। एक बार ध्यान रखेंगे इसको जब लगाएंगे तो हम डिवाइस का इग्निशन वायर भी इसी में लगाएंगे, रिले के जो बाईपास वायर है उसमें। ये दोनों वायर एक साथ कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद ये देख रहा है इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से टेपिंग कर देंगे। हमारा ये येलो रिले का येलो और वाइट वायर रह गया, येलो वाले को हम पावर से कनेक्ट करते हैं। डिवाइस का पावर इस तरीके से थोड़ा सा छीन लेंगे और यहीं पे पावर कनेक्ट कर इसको भी टेपिंग कर देंगे। ये वाइट वायर रह गया, ये डिवाइस का एक वाइट वायर होता है, दो वायर बचे हुए डिवाइस में भी, एक वाइट और एक ग्रे कलर। लेकिन जो हमारा वाइट वायर है ग्रे वाले को फ्री छोड़ेंगे, जो वाइट वाला है इस वाइट वाले में हम डिवाइस रिले का भी वाइट वायर जो है उसको जोड़ देंगे। टेपिंग कर देंगे इसको भी। अब ये हमारा कनेक्शन हो गया। सबसे पहले इस कनेक्टर में हमने पावर और इग्निशन चेक किया मल्टीमीटर से, जो वाइट और ब्लू कलर का है वो हमारा पावर था, और ये जो येलो कलर है ये हमारा इग्निशन था। तो इग्निशन वाला वायर हमने बाहर निकाला, रिले में थिम्बल लगा के हमने इस कनेक्टर में लगाया, फिर वाइट वाले वायर को भी निकाल के उसमें हमने अपना पावर कनेक्ट किया, वापस से लगा के कनेक्टर में कनेक्टर को यहाँ फिट कर दिया। फिट करने के बाद हमने रिले का येलो वायर पावर से जोड़ा, वाइट वायर डिवाइस के वाइट वायर से जोड़ा, और इग्निशन वायर रिले के बाईपास वायर के साथ लेकर जो गाड़ी का इग्निशन वायर था जो हमने थिम्बल निकाला था कनेक्टर से उसमें कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन इसका पूरा हो गया, कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम इसको फिक्स कर देंगे गाड़ी में। गाड़ी में फिक्स किस तरीके से करेंगे, पहले जितने भी वायर है सबको इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। मैंने ये इकट्ठा कर लिया, करने के बाद मैं इस पर टेपिंग कर दूँगा। जैसा कि
देख लो ये टेपिंग कर दिया हमने, ये डिवाइस में लाइट आ गई है, हमारा जीपीएस काम कर रहा है। और हम इसको टाई से बांध देंगे, टाई है मैं रिले को पहले फिक्स कर देता हूँ। इस तरीके से रिले के होल से निकालेंगे, यहाँ वायर के बीच से निकाल के रिले का टाई से डिवाइस को लेते हैं और डिवाइस यहाँ फिक्स करते हैं। सही, देखो ये हमारा डिवाइस फिक्स हो गया। ये गाड़ी का एक्स्ट्रा वायर है, इसको भी इकट्ठा कर देते हैं एक साथ, ऐसे इसको भी बांध देते हैं। देखो ये फिक्स हो गया, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम इसको वापस से पैक कर देंगे। पैक करने के लिए ये चाबी निकाल लेंगे, पहले चाबी निकालने के बाद इसको वापस से लगा देंगे। ये लॉक आसानी से लग जाता है, इसमें एक पेच होता है, इसका पेच है नहीं, कहीं गुम हो गया, हम इसको लॉक लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। नीचे वाला कवर लगा देंगे, ये भी आसानी से फिक्स हो जाता है, इसमें भी लॉक होता है। ये लगा दिया, लगाने के बाद हम इसका स्क्रू ये स्क्रू फिक्स हो गया, ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ये देखिए इंस्टॉलेशन भी चल गया, ये इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से डिजायर में इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।